धरती पर तीसरा ध्रुव कहे जाने वाले हिमालय के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। एक ताजा शोध में चेतावनी दी गई है कि एशिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के किनारे रहने वाले भारत और पाकिस्तान के करोड़ों लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि पिछले कुछ दशक में, खास तौर पर सन 2000 के बाद से, हिमालय के ग्लेशियर में बर्फ 10 गुना ज्यादा रफ्तार से पिघली है। बर्फ के पिघलने की यह रफ्तार लिटिल आइस एज के समय से औसतन 10 गुना ज्यादा है। लिटिल आइस एज वह काल था जब बड़े पहाड़ी ग्लेशियर का विस्तार हो रहा था। यह काल 14वीं सदी से शुरुआत से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक रहा। इस शोध में एक और दुखद बात यह है कि हिमालय के ग्लेशियर दुनिया के अन्य ग्लेशियर की तुलना में ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। इन ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बर्फ के तेजी से पिघलने की वजह से एशिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए खाने और ऊर्जा का गंभीर संकट आने वाले समय में पैदा हो सकता है। हिमालय के पहाड़ों को अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है। इस शोध के लेखक डॉक्टर सिमोन कुक ने कहा कि हिमालयी इलाके के लोग इस बदलाव को पहले ही महसूस करने लगे हैं। यह पिछले कई सदी में हुए बदलाव से बढ़कर है। कुक ने कहा कि यह शोध इस बात की ताजा पुष्टि है कि हिमालय में बदलाव तेजी से हो रहा है और इसका कई देशों और इलाकों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। शोध के लिए इस दल ने हिमालय के ग्लेशियर का फिर से निर्माण किया। इसके लिए टीम ने सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि ग्लेशियर का 40% इलाका खत्म हो गया है। यह अपने चरम पर रहने के दौरान 28,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो घटकर अब 19,600 वर्ग किलोमीटर के इलाके में सिकुड़ गया है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।